फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण सीताराम सबको। आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह के 7:30 हुई है, तो यहाँ पर बहुत धूप आ गई है। देखो तेज धूप आ गई है। आज तो जमीन भाई अभी तक सोया हुआ है, ये 8 बजे उठेगा, अभी नहीं उठेगा। तो टाइम तो अभी 7:30 बजे है। तो जमीन के पापा गए हैं खेत में पानी लगाने के लिए, और मैं सुबह सुबह में घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ खेत में। 8-10 बजे तक हम काम कर लेंगे, फिर देखते हैं कुछ नया काम करेंगे। और नया नया काम होता है तो नया नया काम शुरू हो जाता है सुबह उठते ही, तो वो भी कर लेते हैं। और ये देखो जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तो ये पानी लगा के आ गए सुबह सुबह में। तो अभी मोटर भी चालू है, तो वहाँ खेत में पानी छोड़ के आए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण सीताराम, गुड मॉर्निंग सबको। और कल हम जयमीन को लेके गए थे हॉस्पिटल, थोड़ा सा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको अचानक लेके जाना पड़ा, लेकिन आज तो ठीक है, रात भर आराम से सोया है वो भी, और अभी अंदर बैठ के आराम से टीवी देख रहा है। ये देखो आराम से बैठ के अभी टीवी देख रहा है, नाश्ता किया है, अपना फेवरेट कार्टून देख रहा है। दवाई पिया कि बाकी है? हैं नहीं, बाकी है, बाकी है ना? हाँ हाँ, डाउट है मुझे। तो इसने अभी मैगी बना के खाई है और दवाई वगैरह पी लिया है, अभी इसको आराम है। तो कुछ दिनों से इसको भी स्किन प्रॉब्लम हो रहा था, तो कल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया अचानक से, तो फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए थे हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये देखो शुरू हो गया है काम खिचू पापड़ बनाने का। कल बनाना था लेकिन कल बना नहीं पाए, तो आज बना रहे हम लोग। तो ये सुबह सुबह ही रेखा ने पूरा तामझाम तैयार कर दिया है, और ये देखो साथ में जमीन भी है, क्योंकि ये आइटम ऐसी है कि अकेले से बनती नहीं है। तो अभी आज तो हम दोनों घर पे हैं, तो इन्होंने शुरू कर दिया है। और ये खिचू पापड़ के लिए इन्होंने पानी गर्म कर दिया था, और इसके अंदर जो भी मसाला है, क्या क्या डाला है इसमें? नमक डाला है। नमक वो तो हर एक में होता है। ये दूसरा क्या चीज देख रहा है? हाँ, तो ये जो खिचू पापड़ बनाते हैं जो जो डाला जाता है वो, ये सब डाल रही हूँ। जीरू हो गया, ये सब कुछ डाल दिया है, तेल भी है ना? हाँ, तो ये सब इसने डाल दिया है अंदर। तो ये भी आज हमारा खिचू पापड़ का प्रोग्राम शुरू हो गया है। बहुत दिन से प्लान था कि बनाते हैं बनाते हैं। तो ये अभी खिचू पापड़ तैयार हो रहा है। तो ये पानी वगैरह पहले उबालते हैं, फिर उसके अंदर पूरा मसाला वगैरह डाल देते हैं, फिर जो चावल का आटा होता है उसको डालते हैं इसके अंदर। कल तैयार कर दिया था, कल का प्लान फिक्स था हमारा, लेकिन कल बन नहीं पाया, तो ये आज बना रहे हैं हम लोग। तो हम लोग तो अपने तरीके से बनाते हैं, तो आप ज़रूर देखना, अगर उसमें कुछ ऐड करने जैसी चीज़ होगी कि हाँ भाई ऐसे करने से और अच्छा बन सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाने से और भी अच्छा बनता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो इन्होंने खाने वाला सोडा इसमें डाला है अभी, और अभी इसको बना देते हैं हम लोग। Yes,
तेज वो मिर्ची लगती है इसलिए पूरा नाक में घुस गया अभी। तो इसके अंदर हमने चावल का आटा डाल दिया है और ये देखो रेखा घुमा रही है फर्स्ट क्लास अपना। तो इसमें भी काफ़ी जोर लगता है आटा घुमाने में भी। तो ये देखो अभी इसमें चावल का आटा डाल दिया है और ये आराम से बैठ के अभी घुमा रही है, पका रही है अभी इसको। तो अभी इसको ऐसे करके फिर इसको पॉलीथीन में डाल के फिर अच्छे से उसको मिक्स कर गूंदना पड़ेगा इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें तो ये सिर्फ मिक्स होता है इसीलिए ये अच्छे से होता नहीं है। तो इसको प्लास्टिक के पॉलीथीन में या ऐसे कर रख के उसको अच्छे से गूंदना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको पापड़ के लिए हम बनाएंगे। तो आप वीडियो में आगे बने रहिए कि हम कैसे कैसे बनाते हैं और लास्ट तक देखिए ताकि आपको भी पता लगे कि खिचू पापड़ बनते कैसे है। आप घर पे बना चाहो तो बना भी सकते हो ऐसे। तो अभी ये पूरा मिक्स कर दिया है हमने। तो ये देखो बहुत अच्छे से रेखा ने मिक्स कर दिया है इसको। तो ये अभी इसका आटा रेडी हो चुका है। गर्मी हो गई। तो थोड़ा मेहनत वाला काम है, ज्यादा बनाना, कम है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा ज्यादा बनाना तो काफी इसमें मेहनत लगती है। तो ये इसका आटा रेडी है अभी। अभी इसके आगे का मेरा काम है, इसको गूंदना पड़ेगा अच्छे से, वो भी गरम गरम। ठंडा हो जाता है तो फिर नहीं होता है। तो इसको गरम गरम गूंदेंगे अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको हम अभी बाहर लेके चले जाएंगे आराम से। गैस बंद कर, बंद कर दो। हो गया। तो ये अभी आटा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अभी बेचेंगे बाहर ढक के। तो ये अभी सारा आइटम लेके आ चुके हैं। ये पॉलीथीन वगैरह भी लेके आ गई है रेखा। तो इसको अभी काटना पड़ेगा क्योंकि इसका जो दो पॉलीथीन के बीच में रख के इसको बनाते हैं ताकि चिपक ना जाए। तो अभी ये आटा गूंद के मैंने रेडी कर दिया है और एक आटा इसी पॉलीथीन में हमने रहने दिया है अभी। और बाकी ये रेखा अभी साफ सफाई कर रही है और जैमिन आटा भी खा रहा है थोड़ा बहुत। ये देखो उसका मुंह चल रहा है। तो खिचू पापड़ बनाने के बाद इस आटे को ऐसे गूंदना पड़ता है ताकि अच्छे से हम पापड़ बना पाए। तो ये हमने गूंद के रेडी कर दिया है, अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसको इस चारपाई के ऊपर रखना है हमने।
तो चारपाई भी हमने खाली कर दिया है। तो अभी ये चारपाई के ऊपर साड़ी लगा रही है रेखा। जमीन पकड़ो लग जाए, फिर इस चारपाई को उठा के हम लोग इधर धूप में रख देंगे ताकि पूरे पापड़ आराम से सूख जाएंगे। तो ये दोनों अभी इसको सेट कर रहे हैं अपना, और बाकी यहाँ हमारी तैयारी हो चुकी है। अभी ये देखो गुल्ले बना रही है रेखा, और यहाँ जमीन भी रेडी है बनाने के लिए। मैं अपना रख जो हूँ, ये देखो अभी बनाना स्टार्ट कर दिया, इसको ऐसे बना दिया। दोनों साइड पॉलीथीन रखा हुआ था तो इसको दबाने से वो अंदर पूरा पापड़ बन जाता है। ये देखो अच्छे से ये बन गया अभी, ना ना मीडियम मीडियम। तो अभी ये बनाना स्टार्ट हो गया है, तो अभी ये पापड़ बन के तैयार हो चुका है। तो इसकी एक पॉलीथीन निकाल दी और ये ऐसे रख के फिर दूसरी पॉलीथीन भी निकाल देते हैं। तो ऐसे कर कर के ये पूरे पापड़ बना देंगे। ये देखो एक पॉलीथीन निकाला, फिर इसको उल्टा किया, फिर दूसरा पॉलीथीन निकाला, ये देखो ऐसे प्यार से निकाल। तो ये ऐसे रख देते हैं, ऐसे कर कर के पूरा अभी हम बना देंगे इसको। देखो साथ में खाना भी चल रहा है जमीन भाई का। क्या खा रहा है भाई? ऐसे मीडियम मीडियम बनाते हैं ताकि बहुत अच्छे बन जाए। तो ऐसे करके ये पूरे पापड़ आज हम बनाएंगे। तो बाहर से नाश्ता लाने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे से दबाओ भाई उसको थोड़ा सा, हाँ ऐसे। तो बाहर से नाश्ता लाने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकता है अपना घर का नाश्ता होने से अच्छा है सेहत के लिए भी। इसीलिए हम लोग भी जब भी टाइम मिलता है तब अपना घर का ही नाश्ता बनाते हैं। तो अभी हमने ये देखो इतना सारा बना दिया है। अभी जितना मैंने आटा तैयार किया था वो ख़त्म हो गया। अभी ये दोबारा से रेखा तैयार कर रही है, इसको भी मैं गूंद देता हूँ अभी। तो बहुत अच्छे से ये पापड़ बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ी कमर टाइट हो जाती है इसको लगाते लगाते, ये कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है। हाँ, और ये देखो हमारे पापड़ रेडी है बिल्कुल। तो अभी ये साइड थोड़ी बची हुई है क्योंकि हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो ये साइड अभी मैं कवर करूंगा। तो ये ऐसे करके हमने बहुत अच्छे पापड़ बना के रेडी कर दिए हैं। फिर इसको बनने के बाद धूप में लगा देंगे तो ये सूख के बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अभी लास्ट लास्ट बचा है, इसको भी बना देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। और एक चारपाई हमने वहाँ पर रख दिया है धूप में, वो पापड़ सूखते रहेंगे तब तक ये रेडी हो जाएगा। तो ये पापड़ लगाने में भी काफ़ी तकलीफ होता है, इसको लगाते लगाते कमर टाइट हो जाती है। तो अभी हमारा पापड़ बनाना काम ख़त्म हो गया है। ये देखो पॉलीथीन वगैरह रेखा ने फोल्ड कर लिया, ये भी पॉलीथीन रख देते हैं अभी। काम खत्म। ये अभी आज का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी
एक दो दिन और बनाएंगे, क्योंकि ये अच्छा रहता है, घर का नाश्ता है, बहुत अच्छा रहता है, बाहर से खरीद के खाने से अच्छा। क्योंकि हमारे घर में नाश्ता करने वाले हम दो हैं, हम दो को ही सबसे ज़्यादा नाश्ता चाहिए। रेखा तो खाती है लेकिन कम खाती है वो ये सब चीज़ें तो हम दोनों को सबसे ज़्यादा नाश्ता चाहिए, चाय के टाइम भी चाहिए, टीवी देखते हैं तभी चाहिए मेरे को और जैमिन को। तो हम लोग नाश्ता तकरीबन घर में रखते ही है। तो अभी कुछ काम ख़त्म हो गया है तो फ्री हो गए थे, तो अभी ये है, इस चारपाई को हम धूप में रख देते हैं अभी। तो इसको हमने इधर रख दिया है और ये पापड़ सूखना भी स्टार्ट हो गया है अभी। ये देखो ये पापड़ भी सूखना स्टार्ट हो गया है अभी। तो ये धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत जल्दी सूख जाएगा, और ये भी है थोड़ा सा, तो अभी ये सूखता रहेगा। और आप सब घर में कौन सा नाश्ता बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग तो ये गाठिया हो गया, खिचू पापड़ हो गया, ऐसी चीज़ें हम लोग अभी बनाते हैं। आप लोग भी घर में कुछ ना कुछ बनाते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी कौन सा चीज़ बनाते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो हम भी वो बनाएंगे। और आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जितने भी आप लोग हमारे वीडियो देखते हो प्लीज़ उसको पूरा देखा करें बिना स्किप किए, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।